अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परक्लोट्रिक। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल परक्लोट्रिक। दोस्तों, आज हम स्टेबलाइज़र के लिए वाइंडिंग करना सीखेंगे। ये स्टेक कंपनी का स्टेबलाइज़र है और ये बिल्कुल मतलब जल चुका है स्टेस आर्मेचर। इसकी हम फुल वाइंडिंग आज आपको सिखाएंगे, किस तरह इसकी फुल वाइंडिंग करते हैं। पेपर वाइंडिंग करना सिखाएंगे आपको। इसमें से हमने इसमें निकाल लिया बॉडी में से इसकी, और ये कॉपर के अंदर वाइंड किया हुआ है पुराना। इस तरह हमने इसको खोल लिया और इसके सारा ये पट्टियाँ वगैरह अलग कर ली हैं इसकी। इसकी बाबिन की साइज़ 2.25 x 1.5 इंच है। इस तरह हमने कागज़ की इसकी बाबिन बना ली और ये ऊपर की क्रॉसिंग पट्टियाँ इस तरह हमने काटी है। ये देखिए बिल्कुल फिक्स आई है इसके अंदर पट्टियों में। अब इसको मशीन में हम लगाकर इसको रिवाइंडिंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस तरह मशीन में लगाकर इस पर हम 21 नंबर तार से इसकी रिवाइंडिंग करेंगे। इसके जो चक्कर आएंगे नीचे 400 टर्न आएंगे टोटल प्राइमरी टर्न। इसके जो सबसे पहले जो नीचे वाली लाइन जो चलती है वो बिल्कुल स्लो स्लो चलानी पड़ती है और एहतियात से चलानी पड़ती है, क्योंकि बेस इसका जो नीचे वाला है वो मुश्किल होता है। बेस इसका बेहतर चल गया तो ऊपर की वाइंडिंग और खूबसूरत और अच्छी बनेगी। ये देखिए बिल्कुल स्लो स्लो इसको हम इसकी नीचे वाली जो सबसे बेस जो है वो अच्छा करके बनाएंगे। ये मशीन में थोड़ी रुकावट सी हो रही है, इसलिए कुछ परेशानी हुई हमें बनाने में। इसके जो प्राइमरी चक्कर आएंगे वो टोटल 400 चक्कर आएंगे। 21 नंबर से हमने इसको रिवाइंडिंग किया है नीचे तार से। इस तरह हमने इसके नीचे की एक तह को मुकम्मल किया। अब हम क्रॉसिंग पेपर लगाएंगे इसके अंदर। ये देखें इस तरह इस क्रॉसिंग पेपर रख कर हम पेपर टेप लगाएंगे इस पर, ये क्रॉसिंग पेपर उसमें काम चिपक जाएगा। कैंची से इसको काट देंगे जो इजाफी पेपर होगा। तार को छोड़ना नहीं है, तार को पकड़ के रखना है। तार को छोड़ेंगे तो फिर ये लूजिंग हो जाएगी तार की। पेपर टेप को हमने इस तरह काट के लगाइए। अब दूसरा जो सिरा है उसमें हम इसकी स्पीड तेज़ कर लेंगे और बिल्कुल आसानी से ये बनती जाएगी। अब कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक टेक के अंदर अंदाजन इसके 60 चक्कर आ रहे हैं टोटल। अब जल्दी जल्दी हम इसके टर्न देंगे। और दोस्तों, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको नई नई मालूमात इंशाल्लाह देता रहूँगा मैं। ये देखें इस तरह हम इसको रिवाइंडिंग करेंगे। टोटल 400 टर्न आएंगे नीचे, प्राइमरी टर्न है इसकी टोटल। हर स्टेबलाइजर की वाट के हिसाब से अलग अलग टर्नें होती हैं, अलग अलग गेज होते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखें दोस्तों, इस तरह हम टर्न देते रहेंगे, पेपर टेप लगाते रहेंगे। टोटल 400 टर्न अभी होने वाली हैं, 200 कुछ हो चुकी हैं टोटल। और इस तरह 400 टर्न देने के बाद इसका जो ऊपर की जो टर्नें दी जाएंगी वो 20 नंबर तार से दी जाएंगी। दोस्तों, इस तरह हम इसकी टोटल 400 टर्न मुकम्मल होने वाली है। ये अंदाजन
या पांच लाइनों के अंदर हमने इसकी टोटल, पांच लाइनों में टोटल 400 टन हो चुकी हैं इसकी। ये 300 कुछ हुई हैं, अभी ये लास्ट टन चलेगी इसकी और ये 400 टन मुकम्मल हो जाएंगे। ये देखें 400 टन इसके मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसको हम तार को काट कर अब इसमें 20 नंबर टाइम ज्वाइन करेंगे और ये लूप एक बाहर निकालेंगे टोटल। ये दूसरा लूप नहीं कर रहा है, एक मेन हो गया और ये दूसरा लूप नहीं कर रहा है। इस तरह सिलिंग लगा कर हम इसके अंदर दूसरा लूप भी निकालेंगे। ये देखें इस तरह, अभी सिर्फ 20 चक्कर दिए जाएंगे और वो 220 के लिए होते हैं। इस तरह क्रास्क पेपर लगाया वापसी और ये यहाँ से काट दिया और इसके इस 20 चक्करों के बाद फिर एक लूप निकालेंगे इसके अंदर टोटल। दोस्तों ये स्टेबलाइजर बनाने के बाद इसके बाद हम बैटरी का चार्जर रिवाइंड करना सिखाएंगे आपको और मज़ीद बेहतरी वीडियो में लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए इस तरह एक और लूप निकाल दिया है 220 के लिए, इस तरफ निकाला हमने क्योंकि निशानी रहे। अब मज़ीद जो चक्कर आएंगे लोडिंग के वो दिए जाएंगे 65, 85 और 100, तीन लूप मज़ीद निकलेंगे और सबसे लास्ट में 12 वोल्ट के लूप निकलेंगे। 25 चक्कर आएंगे 24 नंबर तार के। वीडियो काफ़ी बड़ी लंबी होती जा रही है तो मतलब जल्दी स्पीड तेज़ करके हम इसको दिखाना चाह रहे हैं आपको। ये देखिए इस तरह हमने इसको टोटल रिवाइंड कर लिया, ये सारे सिरे इसके निकल चुके हैं। दो ये 12 वोल्ट के सिरे हैं, ये इसका मेन सिरा और ये तीन लोडिंग के सिरे, ये सब 220 वोल्ट का सिरा। ये देखें इस तरह हमने इसको वाइंड किया। अब इसमें पट्टियाँ हम आपको लगाएंगे। ये हमने एक साइड में पेपर काटा जाता है जो पट्टियाँ साइड तार में टच ना हो, शार्टेज वगैरह ना हो बॉडी से। तीन तीन पट्टियाँ हम लेकर इसको लगाते जाएंगे, तीन इस तरफ से तो तीन उस तरफ से। बहुत एहतियात से ये करना पड़ता है, शॉर्टेज वगैरह ना हो इसके अंदर। ये चारों तरफ हमने क्रॉसिंग पेपर लगाए हैं। अब तीन पट्टियाँ इस तरफ से लगानी है, तीन पट्टियाँ उस तरफ से। इस तरह टोटल हम इसको सारी पट्टियाँ इस तरह लगानी है। ये देखें तीन इस तरफ से लग गई, तीन उस तरफ से लग गई। दोस्तों मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें इस तरह हम तीन इस तरफ से, तीन इस तरफ से लगाएंगे पट्टियाँ। ये टोटल पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब इसमें बीच में जो लगेंगी दूसरी पट्टियाँ तीन तीन की, अब वो लगानी है। ये भी इस तरह हम इसके अंदर लगाएंगे। देखें ये तीन तीन पट्टियाँ इस तरह सब पूरे खाने पे भरनी है, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं करनी। कम ज़्यादा करेंगे तो स्टेबलाइजर आवाज़ करेगा। ये टोटल हो चुका है रिवाइंडिंग और इसकी बॉडी वगैरह फिट कर दी हमने। अब इसको स्टेबलाइजर के अंदर रख के आपको दिखाएंगे। ये देखेंगे अब इसकी बॉडी के अंदर हम इसको रखेंगे। ये स्टेबलाइजर बन चुका है, हमने इसके सॉल्डरिंग वगैरह करके ओके करके हमने इसको आपको दिखा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल।